So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? और आज हम आपको लेकर आए हैं आपकी पसंदीदा जगह। जी हां दोस्तों, जुहू चौपाटी। ये जो पीछे होटल देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें जब हम आए थे तो सलमान खान के साथ में यहां शूटिंग की थी, तब इसका नाम तुलिप स्टार था और समय समय पर इसका नाम चेंजेस होता गया, और नहीं तो ये जुहू चौपाटी का नंबर वन होटल हुआ करता था। दोस्तों, जुहू चौपाटी में बहुत सारे कलाकार यहां पर रहते हैं। इस होटल के जस्ट पीछे ही दोस्तों जलसा है अमित जी का बंगला, जिसमें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन रहते हैं। और जो अक्षय कुमार का बंगला है, इसी के जस्ट आगे आप चले जाएंगे, बंगला नहीं बिल्डिंग है, उसमें 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। उसमें ऋतिक रोशन, साजिद नडियाडवाला, अक्षय कुमार फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और सेकंड फ्लोर पे साजिद नडियाडवाला रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे ऋतिक रोशन रहते हैं। चलिए पहले पूरे जुहू चौपाटी का एंजॉय करते हैं। ये जुहू चौपाटी को हम एक छोर से दूसरे छोर का मनोहर दृश्य हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप कितनी दूर से जूम किया है और हम आपको लेकर जाएंगे। ये यहाँ पर जुहू चौपाटी पूरी तो मेन है और यहाँ से दूसरे छोर का भी आप मनोहर दृश्य देख लीजिए दोस्तों। वर्सोवा चौपाटी आगे आ जाती है और उसके पश्चात दोस्तों आ जाता है मड आइलैंड। ये आप ये देख सकते हैं समुद्र के बीच में ये पूरा मड आइलैंड। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, उसके हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं अक्षय कुमार की बिल्डिंग, जिसमें कि साजिद नडियाडवाला और ऋतिक रोशन रहते हैं। और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, जुहू चौपाटी में आप वॉक करते करते उनके घर पर जा सकते हैं। एक ये सामने आप देख सकते हैं नोवेटल होटल दोस्तों, इसके आगे एक और होटल आएगा और उसके बाद में हम पहुंच जाएंगे अक्षय कुमार की बिल्डिंग के यहाँ। यहाँ पर बीएमसी वाले पूरे सफाई कर रहे हैं, देखिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो सभी लोगों को चाहिए कि कचरा ना करें दोस्तों। ये प्राकृतिक सौंदर्य हमारे लिए ही है, इसलिए जब भी आप जुहू चौपाटी में आएँ तो कचरा ना करें दोस्तों। यहीं पर अक्षय कुमार रोज सुबह यहां पर आकर रनिंग करते हैं ज़्यादातर, जब भी उनको समय मिलता है, इसीलिए तो समुद्र के किनारे वो रहते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं अक्षय कुमार की बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, ये देख लीजिए आप, फर्स्ट फ्लोर पर इसी में अक्षय कुमार रहते हैं, सेकेंड फ्लोर पर साजिद नडियाडवाला रहते हैं और थर्ड फ्लोर पर ऋतिक रोशन रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ये जो दिख रहा है, यहीं पर अक्षय कुमार रहते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो बिल्डिंग है आप इसे देख सकते हैं, इसमें अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और साजिद नडियाडवाला यहीं पर निवास करते हैं। ये जुहू चौपाटी के बिल्कुल करीब है। ये पीछे हम आपको जुहू चौपाटी आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा शानदार और मनोहर दृश्य। यहीं से अक्षय कुमार जो है पीछे ये गली से निकलते हैं और दोस्तों यहाँ पर आते हैं जॉगिंग करने के लिए।
इस गली में से अक्षय कुमार आते हैं बाहर, और ये उनकी बिल्डिंग दोस्तों आप देख सकते हैं। पीछे आप ये देख सकते हैं जुहू का सबसे महंगा होटल JW मैरियट होटल, और ये सबसे महंगा होटल जुहू का ये कहा जाता है इसे। और यहाँ पर समय समय पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती रहती है, और ये जुहू का सबसे महंगा होटल JW मैरियट। तो चलिए अब हम जुहू चौपाटी के मेन जगह पर आपको लेकर चलते हैं, मेन जुहू चौपाटी। और ये आप ये देख सकते हैं पूरी जुहू चौपाटी का खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए थोड़ा करीब से चल कर देखते हैं कैसा लगता है पूरा जुहू चौपाटी। ये देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की खाने पीने की चीज़ें, काला खट्टा से लेकर जो भी आपको चाहिए हर तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर ये बोटिंग को आप ये देख सकते हैं, और बीच में ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। और ये पूरा जुहू चौपाटी को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जुहू चौपाटी का पूरा राउंड शॉट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, पूरा व्यू आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है जुहू चौपाटी को, बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप सनसेट होने में कुछ ही पल बाकी है, पूरा सनसेट होगा तब भी हम आपको दिखाएंगे। और चलिए ये पूरा यहाँ का खूबसूरत और मनोहर दृश्य ये देख सकते हैं, समुद्र के बीच में कितनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई हुई है दोस्तों, इस पर एड पब्लिसिटी के लिए। और यहाँ की खूबसूरती इसके कारण बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं भी बहुत दिनों के बाद में जुहू चौपाटी आया, क्योंकि लॉकडाउन से पूरा एक तो मास्क का बड़ा ही टेंशन था, लेकिन अब मास्क कंपलसरी नहीं है मुंबई में। आप बेझिझक आकर किसी भी जगह पर आप आराम से घूम सकते हैं और पूरा का पूरा आनंद कर सकते हैं। ये लाइफ जैकेट को आप देख सकते हैं, कोई डूबता है तो इसीलिए ये पहनाना ज़रूरी रहता है। अगर आप स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स के लिए अगर आप जाते हैं, और कितने लोगों की रोजी रोटियां चलती हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर ये खूबसूरत दुकानें, पूरी दुकानें भी हम आपको अंदर से घुमाएंगे। पाव भाजी, वड़ा पाव तो मुंबई का बहुत ही मशहूर है। और चलिए अब हम आपको यहाँ के आसपास की पूरी खूबसूरती दिखाते हैं दोस्तों। ये बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के, बड़ा ही मज़ा आ जाता है अगर आप फैमिली के साथ में आते हैं, अपने बच्चों के साथ में आते हैं, और पूरा का पूरा दिन कम पड़ जाएगा आपको जुहू चौपाटी में आप स्पेंड करेंगे तो। ये देख सकते हैं और यहाँ के आसपास की खूबसूरती देख सकते हैं दोस्तों। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा, गोल्डन, बिल्कुल बहुत ही यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती है जुहू चौपाटी की। और ये पास ही में रामाड़ा प्लाजा पाम ग्रोव होटल, और यहीं पर से दोस्तों जितनी भी फ्लाइट है मुंबई की यहीं से टेक ऑफ की जाती है, ज़्यादातर जुहू के ऊपर से ही जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं यहीं से टेक ऑफ की जाती है। ये फ्लाइट का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे थे। और चलिए अब ये हम यहाँ पर ये दुकानों में क्या क्या जगह है, ये काला खट्टा आप यहाँ पर उसका आनंद ले सकते हैं, बहुत ही फेमस है मुंबई का। और अंदर बहुत सारी दुकानें हैं आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बिरयानी खानी हो, पाव भाजी खाना हो, काला खट्टा खाना हो, कुल्फ़ी, फालूदा, बहुत ही फेमस है मुंबई शहर का। जब भी आप आते हैं ये काला खट्टा की दुकान, और हर तरह के ड्राई फ्रूट्स सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, और दिन भर आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, और अपनी फैमिली के साथ में आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका स्वागत
ये देख सकते हैं सूर्य देवता यहाँ पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और सनसेट होने में अभी कुछ पल शेष हैं, और ये समुद्र की खूबसूरती बढ़ाते हुए दोस्तों ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वाकई बहुत दिनों के पश्चात में मुंबई के जुहू बीच पर आना हुआ है, और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को अब हम आपको यहाँ की जानकारी देते हैं। तो कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं और कितना उसमें चार्जेस लगता है। यहाँ पर आकर आप अपना फोटोग्राफ्स भी खिंचा सकते हैं, लेकिन आजकल तो सभी के पास में अच्छे अच्छे कैमराज मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आप अपने फोटोग्राफ्स आप स्वयं भी ले सकते हैं, ख़ुद भी ले सकते हैं, और हर तरह की चीज़ें खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। बच्चों के लिए बैलून्स वगैरह है, और ये भुट्टा यहाँ पर खाने का अलग ही आनंद आ जाता है दोस्तों, और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जैसे ही रात होगी तो उसकी तो अलग ही बात होगी दोस्तों, जैसा हमने बताया यहीं से हर फ्लाइट यहीं से टेक ऑफ करती है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, इसलिए हर एक इंसान को फ्लाइट देखना अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपको भी दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स आगे चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी लेते हैं। और ये देख सकते हैं नौका में नौका को खींचा जा रहा है, और पीछे जो बैलून टाइप जो नौका है उसमें लोगों को बैठाया हुआ है और समुद्र में लेकर गए हैं, और बहुत ही आनंदमय वातावरण देख सकते हैं दोस्तों। हालांकि पूरी सेफ्टी बरती जाती है, लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, और यहाँ पर गार्ड्स वगैरह भी तैनात रहते हैं, लाइफ गार्ड, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और ये यहाँ की खूबसूरती बढ़ाते हुए दोस्तों इसको स्पेशली यहाँ पर भाई किसी ने पैसा खर्च करके इसकी यहाँ की शोभा बढ़ा दी है वाकई, और बहुत ही अच्छा लगता है। एडवर्टाइज़ और पब्लिसिटी तो हो ही रही है, और साथ में यहाँ की खूबसूरती भी बढ़ गई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना खूबसूरत, मज़ा आ जाता है वाकई वाटर स्पोर्ट्स करने में। ये आप देख सकते हैं दोनों क्रॉसिंग कर रहे थे लेकिन बच गए, और कोई भी परेशानी, काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं ये लोग। और ये बनाना राइड भी आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं, बनाना राइड का पर मेंबर 200 रुपीज़ दोस्तों ये लोग लेते हैं, और बाइक राइड का भी करीबन 200 रुपये लेते हैं, और राउंड लगा कर आते हैं। और देखिए फिर से एक और प्लेन की खूबसूरती बादलों के बीच में से निकलता हुआ, हर 3-4 मिनट में यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है दोस्तों मुंबई में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लाइटें यहाँ से टेक ऑफ करती है जुहू के ऊपर से। आप मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे अगर आप मुंबई में आते हैं और जुहू बीच पर ही आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा और सुखद। ये देखिए ऊपर से प्लेन क्रॉस कर रहा है, और ये हैप्पी समर, अपने समर को अगर खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आप मुंबई शहर में आ जाइए, मुंबई में घूमिए, और अपने बजट के अनुसार सारा कार्य कर सकते हैं आप। और चलिए और दूसरे वाटर स्पोर्ट्स भी हम आपको दिखाते हैं। ये तो आप ये देख सकते हैं कि 8-10 लोग आगे नौका, पीछे भी नौका ही है, और बड़े ही आनंद के साथ में लोग घूम रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं समुद्र में आकर। भाई जो इंसान पहली बार समुद्र देवता को देखता है उसकी तो मन की स्थिति वाकई अलग ही रहती है। और ये देख सकते हैं आप इस तरह का, ये भी एक वाटर स्पोर्ट्स है दोस्तों, इसमें भी 3-4 व्यक्ति मिलकर बैठ सकते हैं, और समुद्र के बीच में ले जाकर ये बनाना राइड, और ये बैठ के लेट के आप आराम से पूरा आनंद कर सकते हैं दोस्तों। 4-5 वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये बाइक राइड ये स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त
इसमें यामा का इंजन रहता है, बहुत ही पावरफुल रहता है दोस्तों। जितने भी इस तरह की राइड की जाती है ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत और मनोहर दृश्य, पानी में उछाल मारते हुए, और बस थोड़ी देर के पश्चात यहाँ पर ये सनसेट दोस्तों होने को है, बिल्कुल समुद्र में विश्राम करने के लिए दोस्तों सूर्य देवता जा रहे हैं और हम भी आपसे ये रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर सनसेट बिल्कुल जाने को है और कैसा लग रहा है यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं। और जैसे ही रात्रि हो जाती है तो इन गतिविधियों को बंद कर दिया जाता है दोस्तों रात होने के बाद, और जितना हो सके आप दिन में ही यहाँ पर आइए और राइड का आनंद लीजिए और बहुत ही मज़ा आ जाता है। मुंबई शहर में ये जुहू बीच का खूबसूरत और मनोहर दृश्य, यहाँ पर बहुत सारी राइडें यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं और आप ये देख सकते हैं फिर से बाइक राइड की खूबसूरती को सनसेट के समय में हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे में कैद करके दोस्तों। देख सकते हैं कहाँ तक लेकर जाते हैं, काफ़ी दूरी तक लेकर जाते हैं और आपके पैसे की पूरी वसूली हो जाती है। और ये वापस लेकर आ चुका है, पायलट साथ में रहता है और जो जिसको करना रहता है वो आगे बैठता है, इसीलिए पूरी सेफ्टी बरती जाती है दोस्तों। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये देख सकते हैं आप एक के बाद दूसरी फ्लाइट, दूसरे के बाद, और ये मुंबई की खूबसूरती को बढ़ाते हुए दोस्तों, ये जो बहुत ही अच्छी जगह, हैप्पी समर मुंबई, लव मुंबई, मुंबई मेरी जान, सभी को मुंबई से प्यार है, हिंदुस्तान के देशवासियों को मुंबई से बहुत ही ज़्यादा लगाव है दोस्तों। और ये रात ढलती जा रही है, जैसे रात मतलब शाम ढलती जा रही है और रात होने को है, रात्रि होने को है, और यहाँ का वातावरण कैसे बदल जाता है ये भी दृश्य हम आपको ये दिखाएंगे। पूरे वीडियो ये देख सकते हैं, यहाँ की लाइट जलने के पश्चात यहाँ की अलग ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, रात्रि हो ही चुकी है और यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं, यहाँ की पूरी ये लाइट्स जल चुकी हैं। और यहाँ पर हालांकि रात में 12 एक बजे तक भी आप बैठ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, 5 नंबर का 1 घंटे का वीडियो है, आप उसे देखेंगे तो पूरा फिल्म सिटी टूर और जितने भी फिल्म एक्टर हैं उनके घर और सारे स्टूडियोज़ मुंबई के आप देख सकते हैं और बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको वो 1 घंटे का वीडियो अगर आप देखेंगे तो। हम जो फोटोग्राफी शूट करते हैं एज ए मूवी टाइप ही करते हैं, इसलिए आपका प्यार काफ़ी आता रहता है वीडियो में। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। समुद्र की लहरें आपको पुकार रही है, वेलकम टू मुंबई, आइए जल्दी से जल्दी, फिर मिलते हैं आपसे।